नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाओं के साथ में चौधरी एस रहमान स्वागत है आप सबको द बोल्ड एंड लाउड शो में। आज हम देश की बहत्तर स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे याद है मैं छोटा था और मेरे मरहूम वालिद मुझे कहानी सुनाया थे 80s की उस दौर की, जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बतौर प्रधानमंत्री असम आई थी और उन्होंने अपनी स्पीच में कही थी कि जिस तरह सब्जी बनाने के लिए तरह तरह की मसाले, नमक आदि की जरूरत पड़ती है और इसमें से एक भी चीज ना डालने में सब्जी की स्वाद नहीं रहती, उसी तरह एक देश में अलग अलग जाति और संप्रदाय के लोगों को मिलजुल के रहना जरूरी है और सभी की एकजुटता और सहयोग से ही देश तरक्की करती है। दोस्तों, निहायत ही अफसोस की बात है, आज हमारे देश में कहीं गाय के नाम पर लोगों की हत्या हो रही है तो कहीं महिलाओं की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, कहीं बच्चियों को कुचला जा रहा है तो कहीं सच बोलने के कारण लोगों की नौकरी जा रही है, कहीं संविधान को जलाया जा रहा है तो कहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की वसूलों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, मन में सुकून तब आती है जब देश की इस ऐसी माहौल में भी कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो देश में अमन और भाईचारा कायम रखने की कोशिश में लगे हुए हैं। स्वतंत्रता दिवस की इस मौके पे हम आप सभी के लिए एक वीडियो पेश कर रहे हैं। यह वीडियो मुझे सोशल मीडिया में मिला था। जिसने भी यह वीडियो बनाए है, मैं उस शख्स को अपने दिल से सलाम करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, मैं भावुक हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगा यह वीडियो, इसलिए मैंने सोचा इस वीडियो को आपके साथ शेयर करूं ताकि हम सभी देशवासियों में आपस में भाईचारा और एकजुटता बनी रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। Celebrate the auspicious memory of our independence. We are all awaiting
गाएं। ఎక్కడ జెండా ఎగరేస్తున్నారు?